अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सबकी बजिया। और आज शब बारात स्पेशल में जो है मैं चने की दाल का हलवा बना रही हूं। ये चने की दाल मैंने लेकर, ये 300 ग्राम के करीब है। इसे मैंने भिगो दिया था 4-5 घंटे पहले, और इसके बाद जो है इसका पानी निकाल दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म है और इसमें हम ये दूध डाल देंगे। दूध हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना और दाल को ओवर कुक नहीं करना है। बस ये दाल गल जाएगी तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके पीस लेंगे। ये दाल उबल गई है, हमें ऐसी ही दाल चाहिए थी, बस इतनी गल जाए। बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे मैं अलग जो है दूसरे प्याले में निकाल लूँगी ठंडा करने के लिए, फिर मैं इसे पीसूँगी। चले जनाब, ये देखें दाल मैंने पीस ली है और इससे बहुत ज़्यादा जो है बारीक होनी के, थोड़ा सा इसमें मोटा मोटा रो भी रखा है कि दाल के दाने जो हैं थोड़े थोड़े महसूस हों। और ये मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप के करीब घी लिया है। ये घी हम इसमें डाल देंगे। और ये घी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें ये दाल डाल देंगे। और इस दाल को जो है भूनना है, लो फ्लेम पे भूनना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। और इस दाल में जो मेहनत लगती है वो भुनाई की लगती है, इसे काफ़ी जो है टाइम लगता है भुनने में। और इसका जायका जो है जब ही अच्छा आता है जब इसे सही तौर पे भुना जाए। तो चलिए अब हम इसे भुनेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते भी जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी दाल तकरीबन भुन गई है। अभी जो है सारा ऑयल गायब हो गया था और अब जो है ये इसने अच्छा, ये जो है ये मैंने इलायची, छोटी इलायची और जायफल जावत्री जो है रखी थी पीस कर, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। इससे जो है बहुत अच्छा सा इसका जायका बनेगा, बिल्कुल हलवाइयों वाला जो है ना हलवा वो तैयार होगा। इसमें मैं ये चीनी डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी। चीनी जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, इतना मीठा तो कम से कम मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। मेरे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा मीठा खाया भी नहीं जाता, तो आप 1 की जगह 1.5 प्याला भी डाल सकते हैं। अब हम इसे चीनी के साथ डाल के पकाएंगे और फिर अच्छी तरह भूनेंगे और फिर हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। अब ये मिल्क पाउडर जो है वो ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, और इसके साथ हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसे भून लेंगे। ये हमारा हलवा भुन गया है, तैयार हो गया है बिल्कुल। अब हम इसे जमा रहे हैं। हमारा हलवा तैयार है, अब हम इसे जाए रखेंगे थोड़ी सी देर, 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद इसके जो है हम काटेंगे इसको, फिर आपको दिखाएंगे। चलिए जनाब, ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। ये जम गया था तो मैंने इसके पतलियाँ काट ली हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, अपनी बच्चिया को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।